हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर छोटा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम अभी हम लोगों ने चेंज करके रख दिया है माय अप्रूव्ड लीव्स। पहले था फेक ब्लॉगर वीजे, बट आयरनी अभी यह है कि जब से यह नाम रखा हुआ है तब से जो है वो लीव्स अप्रूव नहीं हो रही हैं, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। खैर, इस वीडियो में मैं मालदीव्स की अपनी ट्रिप की जो मैंने रिसेंटली लास्ट मंथ ही की है उस ट्रिप की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा विद बजट कि कितने मैंने किया, कितने में आप कर सकते हो, क्या क्या ऑप्शन है, कितने तरीके की ट्रिप है, ये सारी तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। और जो मैंने रिसेंट ट्रिप किया उसकी सारी वीडियोज़ अभी चैनल पर आ चुकी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक बार जाके वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको एटलीस्ट रेफरेंस के लिए कुछ तो चाहिए होगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो होटल या जो भी जगह आपको बता रहा हूँ, जो भी एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, वो एक्चुअली में था कैसा। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार प्लीज़ जाके वो तीन वीडियोज़ जो मैंने मालदीव्स की शेयर की हैं अपने चैनल पर वो जाके एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद ही आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी होंगी और साथ ही साथ उसके जो कार्ड्स हैं वो यहाँ कहीं ना कहीं डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि आप ये वीडियो देखना शुरू करें मैं आपको बता दूं, जैसे आपने पहले भी मैंने बजट वीडियोस बनाए हैं वो आपने देखे होंगे, और वहाँ पर मैं मतलब मोस्टली पहाड़ों वाले ट्रिप पर ही जाता था, वहाँ के जो बजट होता था वो बहुत कम होता था। बल्कि मैं आपसे ये बोलता था कि अगर होटल का जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ पर हेड पर नाइट है तो ही वो होटल बुक करना, नहीं तो उसके ऊपर थोड़ा महंगा ही मैं कंसीडर करता था। तो अगर आप ये थिंकिंग के साथ ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है, ये वीडियो जो है, ये ट्रिप जो है, ये महंगा ट्रिप है। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो मालदीव जो है वो दुनिया की सबसे लग्जूरियस और सबसे ज़्यादा महंगी ट्रिप्स में से एक होता है, तो उस ट्रिप को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली जो ट्रिप है वो सस्ता नहीं होगा, वो महंगा होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो होटल कॉस्ट हैं वो 1000 तो बिल्कुल भी नहीं, बट हाँ करीब 40-50 हज़ार रुपये पर डे के हिसाब से शुरू होते हैं और फिर जाते हैं ये करीब 5-6 लाख तक के जाते हैं। और आपको मेरी बात का यकीन नहीं होता तो आप खुद जाके गूगल जाके सर्च कर सकते हो वहाँ के होटल्स के जो टॉप प्राइसेस हैं, जैसे सुनेवा जानी, सुनेवा खुशी, ये सारे होटल्स जो हैं यहाँ पर मतलब आपको 6-6 लाख रुपए के भी दिन के रूम्स मिलेंगे। तो कुछ इस तरह का ये ट्रिप है। तो हमारा पर हेड कॉस्ट कितना आया ये आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा। तो मैं आपको एक ऑप्शन ऐसा भी दूंगा जिसमें आप जो कॉस्ट मैंने बताई है उससे आधे रेट में भी आप मालदीव करके आ सकते हो पर हेड कॉस्ट में, लेकिन चॉइस इज योर्स। बट आई रिकमेंड कि जो ट्रिप मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं खुद करके आया हूँ, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इतना सारा पैसा खर्च करके वहाँ पर जाएं और गोवा जैसा ही फील लेके आएँ। इससे बेटर है आप गोवा जा सकते हैं और बहुत ही कम 10% पैसे में आप गोवा होके, 10-20% पैसे में आप गोवा होके आ सकते हो। तो मैं रिकमेंड तो यही करूँगा, बट चॉइस आपकी है। और मैं इस मतलब दोनों तरह के ट्रिप के बारे में डिस्कशन करूँगा, बट मेजरली जो मेरा डिस्कशन होगा वो होगा लग्जूरियस ट्रिप के बारे में, क्योंकि अगर आप मालदीव जैसी जगह जाते हो तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ एक्सपीरियंस करके आओ जो देख के आपने अपना ट्रिप प्लान किया है। आपने देखे होंगे फोटोज़, वीडियोज़, जो वाटर विला और अमेजिंग क्लियर पानी है, जो आइलैंड्स हैं सुंदर सुंदर, तो वो सारे आपने वीडियो देखे होंगे। तो मतलब मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप जाके एक्सपीरियंस भी वही करें। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे आगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जब भी मैं एक्सपेंसेस बताऊँगा तो वो जो है वो पर हेड एक्सपेंसेस होंगे। तो जितना भी कॉस्ट बता रहा हूँ वो पर हेड के हिसाब से कंसीडर करके चलिएगा। और कहीं पर अगर ग्रुप कॉस्ट है तो मैं वहाँ पहले ही बोल दूंगा कि ये 4 लोगों का कॉस्ट है या 2 लोगों का कॉस्ट है, तो उस हिसाब से ही आप भी इसको कैलकुलेट करते चलिएगा। बाकी कैलकुलेशन आपको साइड में कहीं ना कहीं तो मैं इसको डिस्प्ले करूंगा। तो हम लोग जिस रिसॉर्ट में रुके थे वहाँ पर जो विला थी वो बहुत बड़ी थी और वहाँ पर 4 लोग एकमोडेट हो सकते हैं। हम लोग का एक्चुअली प्लान भी 4 लोगों का ही था। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई दोस्त है जिनके साथ आप मालदीव का ट्रिप प्लान कर सकते हो, 4 लोग जा सकते हो, 4 या उससे ज़्यादा भी अगर जा सकते हो तो और भी ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा। बट अगर 4 लोग जा सकते हो तो हमारा वाला कॉस्ट जो है वो 4 लोगों के हिसाब से ही है। बट अगर आपके पास नहीं है और 2 लोग तो आप खुद भी 2 लोग जा सकते हो, थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे बट एक्सपीरियंस मालदीव वाला ऑथेंटिक मिलेगा। उसकी प्लानिंग के भी सारे के सारे चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलेंगी। इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में जो डिवाइड किया है वो आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रहे हैं। ये वो सारे पार्ट्स हैं जिनको हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, और थोड़ा मैं जल्दी बोलूंगा क्योंकि जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। फिर चाहे आप ये बोलो कि मैं ट्रेन छूट रही है, जो भी छूट रही है, बट हाँ वीडियो ज़्यादा बोरिंग बहुत लंबा नहीं हो, इसलिए मैं आपसे जल्दी जल्दी बोल के सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। आप उसमें ग्रैब कर सकते हो जो आपके लिए रिक्वायर्ड है और वो छोड़ सकते हो जो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। इस वीडियो में मैं चैप्टर्स बनाऊंगा, तो अगर आप डायरेक्ट किसी चैप्टर पर जंप करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट उस पर चैप्टर पर जाके क्लिक कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो चेक करो। आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हो अगर तो, बट मैं रिकमेंड करूँगा पूरा वीडियो देखिए, तो आपको ऑब्वियसली बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो जो पहला सेक्शन है वो है अबाउट मालदीव्स। तो मालदीव जाने से पहले वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं जो एटलीस्ट सबको पता होनी चाहिए जो वहाँ जा रहे हैं। तो मालदीव जो है वो लैंड एरिया के हिसाब से एशिया की सबसे छोटी कंट्री है और पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया की सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। मालदीव जो फैला हुआ 900 किलोमीटर की लंबाई पर फैला हुआ है, मतलब आप जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है मालदीव का वहाँ से एंड तक में 900 किलोमीटर की लंबाई है, और उस लंबाई में फैले हुए हैं कम से कम नहीं तो 1200 आइलैंड्स, और उन 1200 आइलैंड्स को डिवाइड किया गया है 26 एटॉल्स में। तो एटॉल्स क्या होते हैं,
ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है वो ऐसे सर्कल सा शेप फॉर्म करते हैं, तो वो सारे ग्रुप्स जो होते हैं वो जो एक जो शेप बनता है उसको एटॉल बोलते हैं। तो वैसे ही शेप आप अगर गूगल मैप पर भी देखोगे तो उस तरह के ही शेप जो हैं वो मालदीव्स में आपको देखेंगे। तो वो शेप एक्चुअली एटॉल्स होते हैं, उन एटॉल्स में तमाम आइलैंड्स होते हैं। तो उन 1200 आइलैंड्स को 26 एटॉल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से काफू, अलीफू, बा, रा, ये सारे जो एटॉल हैं ये काफ़ी फेमस हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी होटल्स हैं। हम जहाँ रुके थे वो था काफू एटॉल। तो जो यहाँ पर आइलैंड्स हैं उनके भी कुछ टाइप्स हैं। तो कुछ एक आइलैंड है जैसे इनहेबिटेड आइलैंड बोलते हैं, वहाँ के लोकल लोग जो है वो रह रहे होते हैं, वहाँ पर वो लोग ही रहते हैं, खेती करते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट का रहना अलाउड नहीं होता। सेकंड तरह के जो आइलैंड होते हैं वो भी इनहेबिटेड आइलैंड है, लेकिन वो पब्लिक आइलैंड होते हैं। उस पब्लिक आइलैंड में लोकल्स भी रह रहे होते हैं और तमाम शॉप्स होती हैं और टूरिस्ट फैसिलिटीज जैसे तमाम होटल्स होते हैं। तो वो पब्लिक आइलैंड होते हैं। जैसे अगर आप सस्ता वाला मालदीव ट्रिप प्लान करना चाहते हो तो आपको उस पब्लिक आइलैंड पर जाकर रुकना पड़ेगा। उस पब्लिक आइलैंड में 3,000-4,000 के भी आपको पर डे के हिसाब से रूम्स मिल जाते हैं। फिर आते हैं वो आइलैंड्स जो अनटच्ड हैं, जो जंगल्स हैं, जिनको अभी ह्यूमंस वहाँ नहीं रहते हैं, तो वहाँ भी ऑब्वियसली टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है। फिर आखिरी आते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लग्जूरियस आइलैंड होते हैं, प्राइवेट आइलैंड, जो कि अनइनहेबिटेड ही माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक प्राइवेट आइलैंड जो होता है वो पूरा पूरा एक रिसॉर्ट की प्रॉपर्टी होता है। और वही आइलैंड्स हैं जो कि यहाँ के सबसे लग्जूरियस आइलैंड, सबसे लग्जूरियस रिसॉर्ट्स माने जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, पूरा आइलैंड जो है वो एक रिसॉर्ट का होता है और वहाँ पर आप सारे के सारे वाटर विला और जितने भी अट्रैक्टिव जो आपने विलास देखे होंगे वो सारे आपको प्राइवेट आइलैंड में मिलेंगे। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रिप्स। सो मैंने जैसे आपको कहा कि दो तरह के, एक सस्ता एक महंगा ट्रिप भी होता है, तो उन दोनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दोनों के बीच में डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे। तो पहला, जैसा कि आपने देखा मैंने आइलैंड्स के बारे में बताया, तो दो तरह के आइलैंड होते हैं जिसमें टूरिस्ट अलाउड होते हैं, एक पब्लिक आइलैंड, एक प्राइवेट आइलैंड। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है ये प्राइवेट और पब्लिक आइलैंड के स्टेज का, तो वो जो डील ब्रेकर डिफरेंस जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है वहाँ का मतलब टाइप ऑफ स्टे। क्योंकि जो भी आपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पर जो भी वो आलीशान और सपनों वाले जो स्टेज, रिसॉर्ट, कॉटेजेस देखे होंगे, वाटर विलास देखे होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट आइलैंड पर पाए जाते हैं। और पब्लिक आइलैंड पर एक नॉर्मल सा ही होटल होता है, मे बी अंदर फैसिलिटीज हो बट वो एक नॉर्मल सा होटल होगा, मे बी बीच साइड हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो आप वो जो है वो फील नहीं कर पाओगे जो आप फील करने आए हो। दूसरी चीज़, आप वहाँ पर अल्कोहल कंजम्पशन नहीं कर सकते हो, शॉर्ट ड्रेसेस भी नहीं पहन सकते हो। रीज़न, क्योंकि ये 100% मुस्लिम कंट्री है, तो आप पब्लिक आइलैंड में जहाँ पर लोकल्स भी रह रहे हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हो, अलाउड नहीं है। हालांकि वहाँ पर बिकनी बीचेस करके एक अलग से बीच बना होता है जहाँ पर आप जाओ तो चाहो तो शॉर्ट्स या बिकनी वगैरह पहन सकते हो, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट वैसे पूरे आइलैंड में आप फ्री नहीं हो ये सब करने के लिए। वहीं पर प्राइवेट आइलैंड जब आप जाते हो तो आप हर चीज़ करने के लिए फ्री हो, कुछ भी पियो, खाओ, पहनो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप एक्चुअली जो है वो फ्री वाला फील जो है वो वहाँ कर पाते हो। तो भीड़ से बचने और एक्चुअली शांति और आइसोलेशन वाला जो आप फील लेना है ना, उसके लिए ओनली एंड ओनली प्राइवेट आइलैंड। फिर दूसरा ये भी है कि जो वो पानी है समंदर का, वो जितना क्रिस्टल क्लियर जो है वो प्राइवेट आइलैंड में होगा वो उतना पब्लिक आइलैंड में नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक आइलैंड पर भीड़ ज़्यादा है तो उतना ज़्यादा क्लीन नहीं आपको मिलेगा, बट पब्लिक आइलैंड से काफ़ी किलोमीटर्स की दूरी पर जो प्राइवेट आइलैंड होते हैं वहाँ पर जितना दूर जाओगे उतना ही साफ पानी आपको मिलेगा। तो अब अगर मैं पब्लिक आइलैंड में रुकने के फ़ायदे बताऊँ तो सबसे मेजर जो फ़ायदा है वो है कि आप बहुत पैसे बचा लेते हो। तो आप अगर होटल में जाओगे तो होटल में आप कम से कम, नहीं तो पब्लिक आइलैंड से 10 गुना ज़्यादा पैसा प्राइवेट आइलैंड में दे रहे हो, 8-10 गुना ज़्यादा पैसा ऑब्वियसली दे ही रहे होगे। दूसरी चीज़ जो खाने का है, खाने में भी आप पब्लिक आइलैंड पर अगर रहोगे तो आपको होटल के बाहर ही तमाम मार्केट आपको मिल जाएगी, चीज़ें खाने के लिए तमाम तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर आप वही प्राइवेट आइलैंड में रहते हो तो उस 5-star या 4-star जो भी रिसॉर्ट है उसके 5 या 4 जो भी रेस्टोरेंट होंगे उसी आइलैंड पर ही होंगे, वही आपके पास ऑप्शन है, वहीं पर आपको खाना होगा। और कॉस्ट जो है, तो अगर प्राइवेट आइलैंड में कोई चीज़ कितने की है तो उससे 75% कम रेट लगा लो, वो आपको पब्लिक आइलैंड का कॉस्ट है उस खाने वाली चीज़ का। दूसरी चीज़, जो आप एक्टिविटीज़ भी करते हो, जैसे एक्टिविटीज़ आप करोगे जाके, तो एक्टिविटीज़ के कॉस्ट में भी बहुत मेजर डिफरेंस है। अगर आप प्राइवेट आइलैंड पर कोई एक्टिविटी करते हो तो वो उसका आप एटलीस्ट 2 गुना प्राइस जो है वो आप दे रहे होते हो प्राइवेट आइलैंड में। प्राइवेट आइलैंड ऑब्वियसली क्योंकि 5-star है तो हर चीज़ के जो रेट है वो 5-star लगने वाले हैं, 5-star या 4-star जो भी आप लेते हो वही रेट लगने वाले हैं, पब्लिक आइलैंड वाले रेट वहाँ आपको नहीं मिलेंगे। एक और बहुत मेजर चीज़ है वो है ट्रांसफ़र चार्जेस। ट्रांसफ़र चार्जेस जो होते हैं, अगर आप एयरपोर्ट से पब्लिक आइलैंड जाते हो तो आपके बहुत कम पैसे लगते हैं, वहीं से अगर आप एयरपोर्ट से आप प्राइवेट आइलैंड जाना चाहते हो तो आपके बहुत 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 पैसे लगते हैं। ट्रांसफ़र चार्जेस को हम पूरे अलग सेक्शन में डिस्कस करेंगे, उसमें तमाम लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं, उसको क्लियर करेंगे अगले सेक्शन में, बट बहुत कम प्राइसेस लगते हैं पब्लिक आइलैंड में।
तो कुछ फेमस पब्लिक आइलैंड्स जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है माफूशी, जो कि सबसे फेमस पब्लिक आइलैंड है, आपने भी उसका नाम बहुत सुना होगा। फिर है उकुलहस और फुलिरु। तो पहले टाइप का जो ट्रिप हो गया वो हो गया लग्जूरियस ट्रिप, जिसमें आप जितने भी आपके ट्रिप के डेज हैं वो सारे आप प्राइवेट आइलैंड में रुकते हो, तो वो आपको सबसे ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। दूसरा टाइप का ट्रिप हो गया जिसमें आप जितने भी दिन आपके वो पब्लिक आइलैंड में रुकते हो, जिसमें आपको सबसे कम पैसे देने लगेंगे। उसके बाद एक और टाइप का ट्रिप होता है हाइब्रिड, मतलब मिक्स वाला जो ट्रिप होता है, उसमें क्या करते हैं लोग, जैसे 4 दिन के लिए जा रहे हैं तो 3 दिन आप पब्लिक आइलैंड में रुकते हैं और 1 दिन फिर आप ट्रांसफर लेते हो अपने प्राइवेट आइलैंड में। तो इस तरह का ट्रिप भी बहुत लोग करते हैं, पैसे भी बचते हैं और एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं। बस वही है कि एक तो पहली चीज़ तो भाग दौड़, 1 दिन के रहने के लिए आप जा रहे हो, ट्रांसफर चार्जेस आप इतने सारे दे रहे हो 1 दिन रहने के लिए या 2 दिन रहने के लिए। बट ये जो टाइम चल रहा है, कोविड का टाइम चल रहा है, मैं बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ, जब मैंने होटल्स बुक किए थे तो कई होटल्स का ये कहना है, जैसे प्राइवेट आइलैंड के होटल्स, उनका ये कहना है कि अगर आप मालदीव जाके स्प्लिट स्टे यानी कि पब्लिक और प्राइवेट आइलैंड के मिक्स स्टे को करना चाहते हो तो आपको पहले उसी होटल में रुकना पड़ेगा। मतलब हर होटल का ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मिक्स वाला स्टे करना चाहते हो तो पहले जाके उनके होटल में रुको, और अगर आप मतलब पहले किसी और होटल में स्टे करके दूसरे होटल में जाते हो तो वो होटल हो सकता है आपको अलाउ ही ना करे, वो कहेगा कि आप पहले यहाँ के रुको बाद में कहीं और जाना। रीज़न कोविड, क्योंकि पहले होटल में आप जाके रुकते हो, अगर आप दूसरे होटल में जाके शिफ्ट होते हो तो आपको पहली चीज़ तो RT-PCR कराना पड़ सकता है, जो कि इंडिया के कॉस्ट में नहीं होगा, जो कि बहुत महंगा है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कितने का है। दूसरी चीज़ ये कि अभी क्या है कि कई होटल्स में मैंने देखा, जब मेरे पास मेल आते थे बुकिंग करने के बाद, तो वो ये बोलते थे कि आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी होटल अगर आप चेंज करना चाहते हो, तो ये परमिशन उनके जो भी डिपार्टमेंट है उसके पास जाती है, वहाँ से अप्रूव होता है। तो इन सब झमेलों से बचने के लिए आई रिकमेंड कि आप किसी एक को ही ऑप्ट करो, ईदर पब्लिक और प्राइवेट। अब बात कर लेते हैं मालदीव्स के मौसम की और बेस्ट टाइम टू विजिट की। तो केवल एक ही मौसम है जबकि मालदीव्स में विजिट करने को लोग थोड़ा कम प्रेफर करते हैं, वो है मानसून का, बरसात का मौसम। तो मई से जो अक्टूबर का टाइम होता है वो मानसून की कैटेगरी में ही आता है और वो थोड़ा ऑफ सीजन माना जाता है मालदीव्स के लिए। बट मैं भी अक्टूबर के मंथ में ही गया था, तो मैं आपको 100 मतलब स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप प्लान करते हो, तो ये साल तो खैर निकल गया, बट अगर अगले साल का प्लान करते हो तो अक्टूबर का जो सेकंड हाफ है उसमें आप प्लान कर सकते हो अपनी ट्रिप, क्योंकि अक्टूबर के सेकंड हाफ में क्या होता है कि मानसून ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। जैसे हमें एक भी दिन बारिश देखने को नहीं मिली, जो कि अच्छा भी था, हम वही चाह रहे थे। और दूसरा ड्रास्टिक चेंज है, अगर आप 31 अक्टूबर को कोई होटल का कॉस्ट चेक करो, उसके बाद 1 नवंबर को चेक करो, तो वो ड्रास्टिक चेंज है, काफ़ी ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा आपको 1 नवंबर, क्योंकि नवंबर आ गया, पीक सीजन आ गया, तो वो देने पड़ते हैं। तो नवंबर से लेके मार्च तक का जो टाइम होता है वो पीक सीजन होता है, और ऑब्वियसली क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में नवंबर के बाद से शादियाँ शुरू होती हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको ट्रिप नवंबर दिसंबर वगैरह में ही न्यू ईयर वगैरह के टाइम पर ही प्लान करनी होती है। तो अभी तक हमने तमाम बातें मालदीव्स के बारे में कर ली हैं, अब बात करते हैं जो कि एक्चुअली हमारी ट्रिप से रिलेटेड है, जिसमें पहला टॉपिक आएगा करेंसी एक्सचेंज। तो मालदीव्स में मेजरली जो है वो डॉलर ही यूज़ होता है, आप हर शॉप पर जाकर डॉलर यूज़ कर सकते हो, तो आपको जो एक करेंसी वहाँ के लिए चाहिए वो है डॉलर। तो उस डॉलर को अरेंज करने के लिए, आपके पास होने के लिए जो तमाम तरीके हैं, जो अच्छे तरीके हैं, वो कुछ इस तरह के हैं। पहला तो ऑप्शन है कि आपका खुद का क्रेडिट कार्ड, आप अपने खुद के क्रेडिट कार्ड में घर बैठे ऑनलाइन बैंकिंग से उनका जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है वो इनेबल कर सकते हो। वो इनेबल करने के बाद वो आप कार्ड सीधे लेके जा सकते हो मॉल से, वहाँ पर जाके स्वाइप करो या जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, बट उसमें कन्वर्जन चार्जेस लगेंगे। उसके बाद हर ट्रांजेक्शन में आपको कन्वर्जन चार्जेस, मार्कअप फी होती है वो लगती है, जो कि करीब 5-4% के आसपास की रहती है। तो ये सब लेके आपको कुल मिला के सरदर्द से तो बच जाते हो, क्योंकि आपने अपना ही कार्ड यूज़ कर लिया, लेकिन आप एक्स्ट्रा पैसे हर ट्रांजेक्शन में देते चले जाते हो, और जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो एक अगर आप ट्रिप के एंड में काउंट करो तो वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। दूसरा ऑप्शन होता है कि करेंसी नोट्स लेके चले जाओ, मतलब डॉलर के जो नोट्स हैं वो फिजिकल लेके चले जाओ। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ही जो करेंसी एक्सचेंज की कंपनीज है, जैसे थॉमस कुक हो गया और तमाम इस तरह की कंपनीज हैं, तो वहाँ पर आप जाओगे, जो भी उनके प्रोसेस है वो फॉलो करोगे, आप INR उनको ट्रांसफर करोगे, वो आपको डॉलर की करेंसी नोट आपको देंगे। तो उसमें ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप गूगल पर देख रहे हो कि 76 रुपये का डॉलर चल रहा है तो आपको 76 रुपये के हिसाब से मिल जाए। अगर 76 चल रहा होता है तो आपको वो करीब साढ़े मतलब 77.5 या 78 के आसपास का आपको वो प्राइस लगाते हैं और आपको वो डॉलर आपको करेंसी नोट्स दे देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास आप करेंसी नोट्स आ गए, आप जाके यूज़ कर सकते हो, बट सरदर्द उसमें ये होता है कि अब आपको नोट्स संभालने हैं। जो सरदर्द रहेगा वो ये है कि अगर ये नोट खत्म हो गए तो आप कैसे करोगे, तो ये झंझट इसमें है। और जो तीसरा ऑप्शन है जो कि मैं लेके गया वो ये है कि मैं फॉरेक्स कार्ड, जो फॉरेन एक्सचेंज कार्ड होता है, वो लेके गया था मैं थॉमस कुक का ही। तो इसका प्रोसेस बहुत सिंपल होता है, आपको जाना है, मैं थॉमस कुक से लेके आया था, तो थॉमस कुक जाना है, वहाँ पर आप जाओगे, सारे प्रोसेस फॉलो करोगे और आप INR ट्रांसफर करोगे, सेम ही रेट लगेगा, जैसे 75 का अगर डॉलर चल रहा है तो 76-76.5 के आसपास आपको कॉस्ट लगेगा, और वो लोग आपको
एक कार्ड दे देंगे जिसमें उस मतलब जैसे मैंने $3,000 लिए थे तो $3,000 उस कार्ड में आपको डाल के दे देंगे, फिर वो कार्ड आप लेके जा सकते हो डायरेक्ट वहां पर स्वाइप अपने होटल रिसॉर्ट किसी भी जगह पर आप स्वाइप करा सकते हो, कोई एक्स्ट्रा चार्ज कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं लगता है। और ऊपर से एक सरदर्द भी खत्म हो जाता है कि आपको जैसे नोट संभाल कर रखने होते हैं, कार्ड तो क्या है कि आपके वॉलेट में गया, वॉलेट संभला हुआ, वॉलेट आपकी पॉकेट में हमेशा ही रहने वाला है, तो वो जितना भी अमाउंट है एक छोटे से कार्ड में जाता है वो आपके पास हमेशा बना रहता है। दूसरी चीज, जैसे मैंने आपको करेंसी नोट्स के केस में बताया, यहाँ पर अगर आपके पैसे खत्म भी हो गए तो जैसे मेरा जो थॉमस कुक का कार्ड था उसमें उनके प्रोसेस बहुत अच्छे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप करो अपने एजेंट को वहीं से, वो आपको बताएगा कि आपको पैसे कहाँ ट्रांसफर करने हैं, आप अपने पैसे ट्रांसफर करो, वो वापस से आपका कार्ड रीलोड कर देगा। बल्कि कई जो कार्ड हैं कई करेंसी एक्सचेंज कंपनीज उसमें ऑनलाइन ही ये फैसिलिटी होती है, ऑनलाइन आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करो वो डॉलर में कन्वर्ट होकर आपके कार्ड में लोड हो जाता है। तो ये एक फायदा होता है कार्ड ले जाने का। जब आप पहुंचते हैं उनके ऑफिस तो करीब एक घंटे के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर कार्ड आपको हैंड टू हैंड वो दे देते हैं, और वो कार्ड एक्टिवेट होने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगता है। तो उसी हिसाब से आप कार्ड अरेंज करना, जैसे ट्रिप से कम 3-4 दिन पहले वो कार्ड अरेंज कर लेना, 3 से 4 घंटे में वो कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। आप ऑनलाइन भी उसमें कितना मतलब उनका जो पोर्टल होता है वहाँ लॉगिन क्रिएट करके आप देख सकते हो कि कितना उसमें पैसा बचा हुआ है, कितने डॉलर बचे हुए हैं और क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये आप सब देख सकते हो। अब बात आती है कि मान लो उस कार्ड में पैसे जो थे वो बच गए, तो मेरे कार्ड में भी करीब $1,000 के आसपास बचे थे, तो फिर मैंने यहाँ आके वापस उनको कॉल करके रिक्वेस्ट किया कि मुझे वो पैसे रिफंड करने हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जैसे $75 चल रहा होता है तो 74 के आसपास ये लेते हैं, 74 के आसपास उसको रेट लगाते हैं और ये आपसे वो सारा पैसा ले लेते हैं। तो इनका प्रोसेस इतना स्मूथ था कि मुझे उनके ऑफिस जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। एक वीडियो कॉल सेटअप हुई वेरिफिकेशन के लिए और मेरे से मेल करवाया गया कि क्या रिक्वेस्ट है कितना पैसा है, वो सब वहां गया, फिर वहीं के वहीं उन लोगों ने वीडियो कॉल पर ही जो भी नेगोशिएशन थे प्राइस को लेकर वो सारे किए और वहीं के वहीं फाइनल हुआ, एक कंफर्मेशन आया और कार्ड मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, वो कार्ड उन्होंने वहीं से डीएक्टिवेट कर दिया और एक दिन के अंदर वो मेरा पैसा सारा वापस आ गया। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं जो कि हमें क्या क्या कोविड गाइडलाइंस फॉलो करनी है मालदीव्स जाने के लिए, इंडिया से मालदीव जाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है। तो एक क्वेश्चन जो कि बहुत लोगों ने मेरे से कमेंट पूछा कि कोवैक्सीन अलाउड है वहां पर कि नहीं, क्योंकि मे बी आप लोगों ने जाकर देखा हो कि इनकी जो पोर्टल है हेल्थ डिक्लेरेशन पोर्टल है वहां पर कोवैक्सीन नहीं आ रही थी। तो जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि करीब 1-1.5 हफ्ते पहले जो उनका पोर्टल था उसमें कोवैक्सीन का नाम भी आ चुका है, आप ड्रॉप डाउन जाके सेलेक्ट करोगे तो कोवैक्सीन आ रही है। तो अब कोई टेंशन नहीं है, कोवैक्सीन लगी हो या कोविशील्ड लगी हो सारी सारी यहाँ की वैक्सीन वहाँ पर अलाउड है, आप जा सकते हो। हालांकि वैक्सीन वहाँ पर मैंडेटरी भी नहीं है, बट अगर वैक्सीनेटेड हो तो वो सिलेक्ट करके डाल देना, मैंडेटरी वहाँ पर वैक्सीन शायद नहीं है। और क्योंकि आप RT-PCR ले जाते हो वो आपका मेन डॉक्यूमेंट है, इवन इफ यू आर डबल वैक्सीनेटेड आपको RT-PCR टेस्ट करा के लेके जाना पड़ेगा जो कि यहाँ पर अब तो ₹300, ₹500, ₹700 में हो रहा है। तो वो आप RT-PCR लेके मतलब ट्रिप के मालदीव्स पहुंचने के 96 घंटे पहले मतलब कि 4 दिन के अंदर का सैंपल वो लिया हुआ होना चाहिए। तो आप मालदीव जाने के करीब 2 या 3 दिन पहले आप सैंपल दे देना। इसके बाद जब आपकी RT-PCR रिपोर्ट आ जाए तो मालदीव्स की IMUGA वेबसाइट जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी होगी, तो IMUGA वेबसाइट जो होती है हेल्थ डिक्लेरेशन की वहां पर जाके आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे पूछते हैं वो सारी फिल करके ये रिपोर्ट आपको अपलोड करनी होती है और एक QR कोड जनरेट होकर आता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको मालदीव्स पहुंचने के 24 घंटे के अंदर ही ये करना होता है। आप ऐसा मत करिएगा कि आपकी रिपोर्ट आ गई तो आप पहले से ही ये QR कोड जनरेट करके बैठ गए, क्योंकि QR कोड की वैलिडिटी सिर्फ 24 घंटे होती है। तो अगर आपकी फ्लाइट अगले दिन मतलब कि अगर कल दोपहर में 1-2 बजे पहुंचने वाली है तो आप आराम से आज की रात में 10-11 बजे तक चिल होके कर सकते हो, उसमें कोई हेडक नहीं है और वो QR कोड जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका जो 24 घंटा वो एक्सपायर हो गया तो आपका QR कोड वैलिड नहीं रहेगा, आपको दोबारा से ये फॉर्म भरना पड़ेगा वहीं पर खड़े होकर। एक बात और बता दूं, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी या ओरिजिनल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट का ओरिजिनल चाहिए वो है पासपोर्ट। उसके बाद हम लोगों ने भी केवल पासपोर्ट ही लिए हुए थे, उसके बाद जो हमारा QR कोड था RT-PCR वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होटल के वाउचर फ्लाइट का टिकट और होटल का जो कन्फर्मेशन मैंने मेल पर लिया, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ने गूगल ड्राइव पर ही अपलोड करी हुई थी तो वहाँ से ही हम लोग लेके गए थे और कहीं भी हमें डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं पड़ी, वो सॉफ्ट कॉपी से ही सारे काम हो रहे थे। और दूसरी चीज़ ये कि ट्रैवल इंश्योरेंस मालदीव जाने के लिए मैंडेटरी नहीं है, कोई वहाँ पर नहीं ऐसा वो है कि अगर आप नहीं लेके आओगे इंश्योरेंस नहीं जाने देंगे जैसे तमाम कंट्रीज में है। तो अब बात कर लेते हैं फ्लाइट्स के बारे में सारी की सारी। तो जो फ्लाइट का जो कॉस्ट होता है वो इंडिया से मालदीव्स का लगभग 20,000 से 25,000 के आसपास रिटर्न टिकट होती है पर हेड। तो वहीं अगर जैसे मैं तो दिल्ली से गया था तो इतनी ही होती है, बट अगर आप साउथ की किसी सिटी में किसी स्टेट में रह रहे हो जैसे कोची से तो सबसे ही कम कॉस्ट होगा, करीब 12-15 हज़ार रुपये में रिटर्न टिकट हो जाती है। तो क्योंकि मैं दिल्ली से गया था तो मेरा जो टिकट कॉस्ट था वो था 20,000 पर हेड फॉर द रिटर्न टिकट, और मैंने जो टिकट कराया था वो कराया था एयर इंडिया की फ्लाइट से। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी एयर इंडिया की फ्लाइट से ही कराना अपना टिकट। उसके कुछ रीजन है, पहला रीजन ये है कि एयर इंडिया में जो आप टिकट का प्राइस ले रहे हो
एक्चुअली आपको बाकी की फ्लाइट्स में भी आपको 20,000 के आसपास का ही मिलेगा, बट एयर इंडिया में फ़ायदा ये रहेगा कि आपका जो टिकट का कॉस्ट है उसमें आपकी मील्स इंक्लूडेड रहेंगी। तो हम लोग जब जा रहे थे तो हमें 2 बार मील्स दी गई, अच्छा खासा पेट भर लिया था हम लोगों ने, तो वापसी में तो मतलब अल्कोहल भी उसी में कॉम्प्लीमेंट्री था। तो ये सारी चीज़ें एयर इंडिया के साथ फायदे में रहेंगी। दूसरी चीज़ जो एयर इंडिया के साथ अच्छी है, कैंसिलेशन चार्जेस जो हैं वो सिर्फ 2,500 रुपये पर हेड रहते हैं पर टिकट के हिसाब से, बट वहीं आप अगर इंडिगो या गो एयर या किसी और से जाते हो तो ये करीब 4,500 या 5,000 रुपये तक के भी हो सकते हैं। तो कैंसिलेशन चार्जेस कम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एयर इंडिया में ही कम मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ फ्लाइट बुकिंग करने के टाइम आपको ये देखनी है कि आपको मतलब सस्ती टिकट लेने चक्कर में ऐसी टिकट ना ले लेना जिसमें आपका जो स्टॉप ओवर है, जो ले ओवर टाइम है फ्लाइट का बीच में कहीं, वो 4-5 घंटे का है, क्योंकि वो आप मतलब काफ़ी दिक्कत होती है उस 5-6 घंटे का अगर गैप किसी बीच में सिटी में मिलता है। तो आप कोशिश ये करना कि आप 1-2 हज़ार रुपये बचाने के लिए 4-5 घंटे का लेओवर वाला फ्लाइट मत ले लेना। तो जो हमारी फ्लाइट थी एयर इंडिया की, उसमें था 40-50 मिनट का टाइम था मुंबई में, और वो भी हमें उतरना नहीं था फ्लाइट से, तो केवल 40 मिनट के लिए मुंबई में जाके फ्लाइट रुकी और वहाँ से हम बैठे ही रहे उसमें, उसके बाद हम चले गए और हम करीब वही 5 घंटे के आसपास में मालदीव्स पहुंच चुके थे। तो मैं रेकमेंड करूंगा इसी तरह की कोई फ्लाइट देखना, या तो डायरेक्ट देखना या तो ये फ्लाइट, क्योंकि इसमें मेरे डायरेक्ट फ्लाइट के कंपैरिजन में 3,000 रुपये के आसपास पर हेड बच रहे थे और हमें उतरना भी नहीं था फ्लाइट से, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको भी मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। एक और जरूरी चीज़ ये है कि मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हो तो आप फ्लाइट की ऑफिशियल वेबसाइट से, जैसे airindia.in या goair.com या जो भी ये सब वेबसाइट्स हैं, उनसे जाके करना। थर्ड पार्टी वेबसाइट से करने से थोड़ा बचना, क्योंकि आप वहाँ भी थोड़े बहुत कन्वीनियंस चार्जेस और एक्स्ट्रा चार्जेस उनको दे रहे होते हो। तो हमेशा ये तो हम हमेशा ही फॉलो किया करो। फ्लाइट के बारे में और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे छोटी सी चीज़ है, जैसे अगर आप सीट सेलेक्ट करते हो तो सीट सेलेक्ट जो आप कर रहे हो जाते टाइम, वही सीट आते टाइम भी सेलेक्ट करना है। उसमें क्या होता है कि आते हो जाते टाइम आप दोनों तरफ का व्यू ले सकते हो, और व्यू जो है फ्लाइट से मालदीव्स पहुंचने के टाइम का वो बहुत अमेजिंग है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब फ्लाइट बुक करना तो कोशिश ये करना कि आपकी फ्लाइट जो है वो 3 बजे दोपहर तक मालदीव्स पहुंच जाए, क्योंकि जो पब्लिक फेरीज हैं वो 3 बजे के बाद नहीं चलती हैं, जो प्राइवेट फेरीज हैं, जो होटल्स की फेरीज हैं, वो भी वो लोग ये बोलते हैं कि 5-6 बजे तक ही चलाते हैं। तो एक रिस्क से बचने के लिए ट्राई ये करना कि 3 बजे के पहले पहले आपकी फ्लाइट पहुंचती हो, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत डिले भी हुई तो भी आप विद इन द लिमिट पहुंच जाओ, नहीं तो अगर लेट हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारी बातें हो गई फ्लाइट से रिलेटेड। अब चलते हैं आगे, जो एक और इंपॉर्टेंट खर्चा है वो है होटल के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पब्लिक आइलैंड में भी आप रुक सकते हो, प्राइवेट आइलैंड में भी आप रुक सकते हो, तो पब्लिक आइलैंड में जो आप होटल देखोगे, जैसे मैं माफूसी का अगर एग्जांपल दूं जो कि सबसे फेमस वहाँ का पब्लिक आइलैंड है, वहाँ पर अगर आप जाते हो तो आपको 3-4 हज़ार रुपये से शुरुआत हो जाती है अच्छे होटल्स की। यहाँ तक कि वहाँ का जो बेस्ट होटल है कानी ग्रैंड करके होटल है उनका, जो होटल 4-स्टार होटल है वो वहाँ पर, तो वो भी आप 4,000-5,000-6,000 रुपये तक में ईजिली आप बुक कर सकते हो वो होटल। और कानी के खुद के भी वहाँ पर 3-4 होटल्स हैं उसी माफूसी आइलैंड में, तो आप इस तरह से उसको बुक कर सकते हो। और अगर आप अगर बालकनी सी व्यू वाला अगर आप होटल लोगे तो आपको थोड़े बहुत पैसे और ज़्यादा देने पड़ेंगे। बट हम यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे प्राइवेट आइलैंड के रिसॉर्ट्स को। अब क्योंकि हम प्राइवेट आइलैंड में रह रहे हैं, जो अगले 3-4 दिन है हमारे, वो फुल अय्याशी साहब बताने वाले हैं। तो जो सबसे पहला फिल्टर आप लगाना होटल सर्च करते टाइम वो लगाना स्टार का। तो पहला जो आपके मतलब जो पहला फिल्टर स्टार का लगेगा उसमें आप 4 और 5 स्टार सेलेक्ट करना। तो मैं इस कैटेगरी के जो सबसे अफोर्डेबल, इकोनॉमिक और बेस्ट होटल्स हैं वो मैं आपको इसी सेक्शन में आगे बताऊंगा। तो प्राइवेट आइलैंड वाले होटल जो होते हैं वो पूरा आइलैंड जो अपने होटल का होता है और हर तरफ से पानी से घिरा होता है और बहुत क्लियर पानी होता है यहाँ का। तो यहाँ पर भी जो रूम्स हैं वो कई तरह के होते हैं, तो सस्ते से लेके महंगे तक के जो रूम होते हैं, तो मैं आपको अब बताऊंगा कि वो रूम किस किस तरह के होते हैं। तो जैसे जैसे मैं रूम आगे आगे बढ़ता जाऊंगा रूम टाइप्स, तो आप पैसा भी उसी हिसाब से जो है बढ़ाते चलना। सबसे सस्ते से शुरू करूंगा, सबसे महंगे पर जाके खत्म करूंगा। पहला जो कैटेगरी होती है, जो सबसे सस्ता प्राइवेट आइलैंड का रूम होता है, वो होता है गार्डन विला। तो गार्डन विला या गार्डन रूम जो होता है वो पूरे आइलैंड में जो जंगल वाला एरिया उसके बीचों बीच वो बना होता है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये बीच से या पानी वाली जगहों से बहुत दूर होता है, आपको अगर वहाँ जाना है तो काफ़ी चल के जाना पड़ेगा, बट फिर ये है कि सबसे सस्ता होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी, अगर आप इसी गार्डन विला में कोई होटल आपको प्राइवेट पूल दे दे रहा है तो वो थोड़ा इससे महंगा पड़ेगा। इसके बाद जो रूम्स आते हैं वो हैं बीच विला। बीच विला क्या होते हैं कि वो ऑलमोस्ट जहाँ पर जो उनका आइलैंड एंड हो रहा होता है, मतलब बीच की तरफ जो है वो बीच फेसिंग जो आपका विला होता है वो बीच से कनेक्टेड होता है, आपका प्राइवेट होता है वाला बीच। और जो विला होती है वो पहले तो अंदर मतलब ग्रीनरी में भी होती है और थोड़ा सा बाहर निकली हुई होती है बीच की तरफ को। इस बीच विला की खास बात ये होती है आप दोनों तरफ का मजा ले सकते हो, ग्रीनरी भी होती है और बीचेस भी होते हैं। तो वहीं अगर अगली कैटेगरी में चलते हैं, तो अगर बीच विला में कोई होटल आपको प्राइवेट पूल दे रहा है तो और महंगा हो जाएगा। तो उसके बाद कैटेगरी आती है जो सबसे फेमस वहाँ की विला है, वो है वाटर विला। तो वाटर विला में भी पहली विला होती है
इसमें भी आप पैसा बढ़ाते चलेगा। तो जो पहली वाटर विला होंगी वो होंगी जिसमें आपका सिर्फ एक रूम या विला होगा और उसमें आप बस पानी के ऊपर बना होगा, इतना होगा, आपको फील मिलेगा वाटर विला का, आप जाके आराम से रह सकते हो। फिर इसके ऊपर जो आती है वाटर विला, वो वाटर विला में क्या होता है कि एक हैमक लगा होता है, विला होती है और हैमक लगा होता है। हैमक वही होता है जो आपने देखा होगा तमाम वीडियोज में, वो झूले जैसा लगा होता है और पानी के जस्ट ऊपर होता है आपकी बालकनी में, तो उसके भी अपने अलग मजे हैं। उसके बाद थोड़ा अगर आप और पैसा खर्च करते हो तो आपको मिल सकता है वाटर विला विद प्राइवेट पूल। तो वाटर विला विद प्राइवेट पूल तो मतलब अल्टीमेट लग्जरी हो जाती है, विला का विला और पूल भी है। उसके बाद जो सबसे महंगे वाटर विला होते हैं वो आएगा वाटर विला में, उसमें हैमक भी होगा, पूल भी होगा और उसमें होगी स्लाइड भी। तो अगर आपके पास बहुत ही ज़्यादा पैसे हैं, 3-4 लाख रुपए आप हर दिन का खर्च कर सकते हो, तो आप स्लाइड वाला भी वाटर विला आराम से ले सकते हो। तो अब इसमें भी जो विलाज होते हैं उनमें जो मैंने कैटेगरी बताई उसके बाद भी कोई विला बहुत छोटे होते हैं, उसमें केवल दो ही लोग रह सकते हैं, कोई विला बहुत बड़े होते हैं, 2,000 square feet के होते हैं, 6,000 square feet के होते हैं, तो उसमें किसी में 4 लोग अलाउड होते हैं, किसी में 6 लोग अलाउड होते हैं। तो जैसे जैसे रूम साइज बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे कॉस्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर आप प्राइवेट आइलैंड में जाकर रुक रहे हो तो आप अपना स्टे जो है वो स्प्लिट स्टे करो। स्प्लिट स्टे का मतलब है कि उसी आइलैंड में कुछ दिन आप रुक जाओ अपने आइलैंड विला या बीच विला में और कुछ दिन आप वाटर विला में रुक जाओ। तो उससे क्या कि आप दोनों चीज़ों के मज़े ले लोगे और दोनों चीज़ों के अपने खुद के फ़ायदे और नुकसान हैं। तो ऐसा नहीं है कि वाटर विला जो है वाटर विला से अच्छा कुछ नहीं होता, वाटर विला में कोई कमी नहीं है अगर मैं दूसरे किसी विला से कंपेयर करूं। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं ना तो आइलैंड विला जो होता है तो वो जंगल में होता है, ग्रीनरी होती है वहां पर और बीच भी होता है। उस वजह से क्या होता है कि आपको एक पहली चीज़ तो मॉलदीव की जो भयंकर गर्मी होती है उससे आपका रूम बच जाता है, आप बच जाते हो, आप बाहर भी जाके बैठ सकते हो और आपके पास तमाम एरिया होता है रूम से बाहर भी घूमने फिरने दौड़ने कूदने के लिए। वहीं वाटर विला की अगर बात करें तो वाटर विला उस पूरे जंगल से काफ़ी दूर जाके बने होते हैं और उसमें जो धूप होती है वो डायरेक्ट पड़ रही होती है, तो आप सिर्फ और सिर्फ विला के अंदर ही रह सकते हो। हम लोग तो बल्कि पूल वाला वाटर विला था उसमें भी जो है धूप बहुत तेज़ आ रही थी। तो ये नुकसान है एक वाटर विला का। और दूसरा फिर ये है कि आपका जो मेन एरिया है जो आइलैंड के रेस्टोरेंट वगैरह वो वाटर विला उनसे काफ़ी दूर होता है, तो चलना तो पड़ता ही है। तो हालांकि रिसॉर्ट वाले भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, बग्गी वगैरह होती है। तो हमारा जो स्टे था वो था एक 5-star रिसॉर्ट है, वहाँ पर कोको बोडो ही थी में हमने अपना 3-4 दिन का स्टे बुक किया था, जिसमें से 2 रातें थी हमारी आइलैंड विला में। आइलैंड विला मतलब कि जिसमें हमारा बीच भी था और ग्रीनरी भी थी, और आखिरी जो हमारी नाइट थी वो हमने बुक करी थी वाटर विला। वाटर विला भी जो उनकी सबसे लग्जूरियस वाटर विला है कोको रेजिडेंस। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे सारे के सारे विलाज में प्राइवेट पूल था, मतलब जो लग्जरी थी वो एकदम टॉप नॉच। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम 4 लोग गए थे और हमारे जो विला थे वो दोनों ही विला 2,000 square feet के ऊपर के थे और वहाँ पर 4 लोग के रहने का इंतज़ाम था, तो हम चारों लोग एक ही विला में रुकते थे। तो उससे क्या है कि हमने थोड़े और ज़्यादा पैसे बचाए। तो अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं, तो जो हमारा आइलैंड विला था 2 रात का उसका जो कॉस्ट था वो था 78,000 विद ब्रेकफास्ट, मतलब कि 2 रातों का 4 लोगों का 78,000 विद ब्रेकफास्ट। तो ये जो कॉस्ट है टोटल वो पर हेड बनता है सिर्फ 19,500 रुपये में। तो 19,500 रुपये में एक बंदे का 2 रात का स्टे आइलैंड विला में 5-star होटल में विद प्राइवेट पूल विद ब्रेकफास्ट ये था। और जो हमारी आखिरी रात थी वो हमने वो पूरा दिन जो दिन था वो हमने कोको रेजिडेंस यानी कि जो वहाँ की सबसे लग्जूरियस वाटर विला थी वहाँ पर जाकर बताया, उसका जो कॉस्ट था वो था 55,000, यानी कि पर हेड जो कॉस्ट था वो था 13,500 रुपये विद ब्रेकफास्ट विद प्राइवेट पूल विद एवरीथिंग। तो जो स्टे का जो टोटल कॉस्ट पहुँचता है वो पहुँचता है 33,000। तो इस कॉस्ट में ये मत भूलिएगा कि इसमें टॉप क्लास वर्ल्ड क्लास का एक ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है जो कि आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और इसमें बाकी तो रिसॉर्ट इतना अच्छा था कि शैम्पेन कॉम्प्लीमेंट्री थी, फ्रूट्स कॉम्प्लीमेंट्री थे, तमाम चीज़ें मतलब आप कोई भी चीज़ चाहिए वो आपको अवेलेबल करा रहे थे, आयरन से लेके हेयर ड्रायर और जो अडाप्टर होता है क्योंकि हमारे इंडिया वाले सॉकेट नहीं लगते हैं तो वो जो अडाप्टर होता है वो सब, मतलब कोई भी चीज़ की कमी नहीं थी वहाँ पर, आप जो चीज़ मांगो वो सब आपको वो अवेलेबल करा रहे थे। तो ये विला एक्चुअली में थे कैसे, अभी तो मैंने सिर्फ बोल दिया कि बहुत अच्छे थे बहुत अच्छे, तो आप जाके देख सकते हो वो विला एक्चुअली में थे कैसे, वो सारा वीडियो मैंने बताया हुआ है, विला टूर प्रॉपर दिया हुआ है। तो आप अगर जैसे होटल बुक कराते हो तो आप वैसे तो आप चाहो तो बहुत छोटे रूम बुक करा के पैसे बचा सकते हो, वाटर विला के नाम पे आपको एक छोटा सा रूम मिल जाएगा, बट आप मॉलडीव्स आए ही हो तो लग्जरी का समझौता मत करिएगा। और ऐसा भी नहीं मैं कह रहा हूँ कि लग्जरी के चक्कर में बहुत ज़्यादा पैसे चले गए, क्योंकि आप अगर कंपेयर करोगे जो मैंने कॉस्ट आपको बताया, आप अगर कंपेयर करोगे दूसरे होटल के सस्ते रूम से भी तो भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर आपको सही बजट में लग्जरी मिल रही है तो क्यों मना करना।
तो जो रिसॉर्ट जो है इस कैटेगरी, मतलब अफोर्डेबल और सब कुछ अच्छा, रूम्स भी बड़े, लग्जरी प्रॉपर है, तो जो रिसॉर्ट मैंने एक्चुअली महीने भर रिसर्च किया था कि कौन कौन से रिसॉर्ट हैं, तमाम बुकिंग्स करी थी, तो जो टॉप मोस्ट रिसॉर्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ऑब्वियसली कोकोबोडो हीटी ही है। और इसमें यह है कि सारे रूम्स में आपको प्राइवेट स्विमिंग पूल जो है वो मिलता है। दूसरा रिसॉर्ट आता है पैराडाइज आइलैंड रिसॉर्ट। तो पैराडाइज आइलैंड रिसॉर्ट एक्चुअली एक 4-स्टार रिसॉर्ट है, रिव्यूज वगैरह अच्छे हैं, और इसमें बहुत सारे इंडियंस की फर्स्ट चॉइस पैराडाइज आइलैंड रिसॉर्ट होती है, क्योंकि क्या होता है कि पैराडाइज आइलैंड का जो डिनर और जो खाना वगैरह है उसमें इंडियन क्यूजींस बहुत ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी इंडियन आइटम्स की ही होती है। तो ये सेम रीज़न एग्जैक्टली ये रीज़न था कि मैं पैराडाइज आइलैंड वाले रिसॉर्ट में नहीं गया, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं इंडिया से दूर कहीं जा रहा हूँ तो कुछ अलग इंडिया के दूर वाली चीज़ें ज़्यादा एक्सपीरियंस करूँ। बट आपको पैराडाइज आइलैंड में हर कैटेगरी के, हर तरह के, बहुत सस्ते रूम से लेकर बहुत महंगे रूम्स तक सब मिलते हैं, तो आप इसको भी देख सकते हो। तीसरा जो बहुत ही अमेजिंग रिसॉर्ट है वो एक 5-स्टार रिसॉर्ट है जिसका नाम है फुरावेरी। इसको भी आप जब आप बुक कराने बैठो तो आप हर दिन इसको ट्रैक कर सकते हो। इसके कॉस्ट भी बहुत ही बढ़िया रहते हैं और बजट के अंदर ही रहते हैं, और रिसॉर्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, इसके रूम्स बहुत ज़्यादा सुंदर है, स्विमिंग पूल बहुत अमेजिंग है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पहुँचने के लिए जैसे हम लोग तो स्पीड बोट से गए थे अपने रिसॉर्ट, यहाँ पहुँचने के लिए सी प्लेन आपको एयरपोर्ट पर लेने आता है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस। और सी प्लेन आने के बाद भी ये आपके बजट के अंदर आता। और एक और रिसॉर्ट जो आखिरी 4-स्टार रिसॉर्ट है वो है सनसियाम का ओलू वैली। यहाँ भी आपको प्राइवेट पूल वाले रूम मिल जाएंगे और रिसॉर्ट भी अच्छा है। ये हाईली रिकमेंड फ्रॉम माय साइड वाले रिसॉर्ट थे। अब अगर आप चाहते हो कि केवल वाटर वाला कहीं फील लेना है, इतना ज़्यादा आपको रूम और उनकी लग्जरीज फर्क नहीं पड़ता, तो आप और भी वहाँ पर मतलब रिसॉर्ट्स हैं, जैसे पहला हो गया फिलहाल हुई आइलैंड देख सकते हो, सेंटर आरास खुशी देख सकते हो, अदारन का रनल ही देख सकते हो। तो ये सारे रिसॉर्ट्स हैं जो आप देख सकते हो। इसमें आपको प्राइवेट पूल वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन वाटर विला वाला पूरा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, और प्राइवेट आइलैंड तो है ही। एक बहुत ज़रूरी बात, बहुत लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम वगैरह पर भी पूछते रहते हैं कि जब आप होटल बुक करने जाते हो किसी भी वेबसाइट से, तो वहाँ पर जो प्राइस आपको दिख रहे होते हैं, ट्रांसफर चार्जेस एक ऐसी चीज़ है जो उसके ऊपर से आपको पे करनी होती है, और जो आपको होटल में जाके ही पे करनी होती है। और ट्रांसफर चार्जेस कोई छोटा अमाउंट नहीं है, कई बार है कि आप जो पूरा स्टे जो होटल में करके आ रहे हो उससे ज़्यादा आप ट्रांसफर चार्जेस सिर्फ पे कर रहे होते हो। तो ट्रांसफर चार्जेस 60,000-50,000 रुपये से लेके 2 लाख तक का भी जा सकता है 4 लोगों का। तो इस ट्रांसफर चार्जेस, ये डिपेंड करता है कि आपका रिसॉर्ट जो है वो कितनी दूर है एयरपोर्ट वाले आइलैंड से, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले सेक्शन में, बट आप ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा, होटल वही बुक कराइएगा जिसमें फ्री कैंसिलेशन हो, तो उससे बहुत मदद मिल जाती है, क्योंकि मैंने खुद कम से कम नहीं तो 50 या 60 बुकिंग्स कराई होंगी। तो जैसे आप बुकिंग करा के रख लेते हो, फॉर एग्जांपल आप 50,000 में कोई रूम बुक करा के रख लेते हो, आपको 2-3 दिन बाद वही रूम अगर 47,000-46,000 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आप वाला जाकर बुक कराओगे, 4,000 रुपये आपको घर बैठे बैठे बच रहा है। ये वाला बुक करा के पहले वाली बुकिंग कैंसिल करा सकते हो। तो एकदम ये बिल्कुल श्योर रखना कि फ्री कैंसिलेशन वाले तमाम ऑप्शन हर रिसॉर्ट में है, फ्री कैंसिलेशन वाले ही बुकिंग करा के रखना। तो अब बात करते हैं कि होटल की बुकिंग करानी कहाँ से है। तो मतलब अपनी इंडियन वेबसाइट्स हैं, गोआईबीबो, MMT, इसमें मैंने पहले चेक किया तो मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा था वहाँ के कॉस्ट से, बट फिर जब मैं booking.com और agoda.com में गया तो मेरे को प्राइसेस थोड़े ठीक लगे। ये बात है जब मैंने बुकिंग कराना शुरू ही किया था, करीब 1 महीने तक मैंने बुकिंग कराई, तो शुरुआत के दिनों का ये हाल था। फिर मैंने booking.com पे देखा, booking.com भी अगोडा से हर जगह महंगा ही दिखा रहा था, तो फिर मैंने 2-3 बुकिंग जो booking.com से कराई थी वो सारी कैंसिल कराई, और फिर मैंने अगोडा से बहुत सारी बुकिंग कराई, मतलब तमाम रिसॉर्ट्स की मल्टीपल डेट्स की मल्टीपल बुकिंग करा के मैंने अपने पास रखी हुई थी, कैंसिल करता रहता था, दोबारा कराता रहता था, बट फाइनली agoda.com की कोको वाली जो बुकिंग थी वो मैंने फाइनल कर ली कि अब मैं इसी पे जाऊंगा। बट एंड में जब मैंने देखा तो goibibo और मेक माई ट्रिप पर जो कॉस्ट था वो agoda.com से भी सस्ता हो चुका था, क्योंकि वहां पर तमाम तरह के अपने इंडियन कार्ड्स के जो कूपन चल रहे होते हैं वो सारे लगा के दोनों जगह सस्ता मिल रहा था मुझे रूम। तो मैंने क्या किया, क्योंकि होता है ना कि कूपन एक बार ही चलता है उस वेबसाइट पर, तो मैंने एक बुकिंग कराई मेक माई ट्रिप से, एक बुकिंग कराई goibibo से, तो जो आयरन विला था वो बुक हुआ मेक माई ट्रिप से, और जो वाटर विला था वो हमारा बुक हुआ goibibo से। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है, अगर आप 2 वेंडर्स से बुकिंग कराते हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपके रिसॉर्ट वाले उसमें कोई पंगा नहीं करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं वीजा प्रोसेसिंग की। तो मालदीव्स में हम इंडियंस का जो है वो वीजा ऑन अराइवल होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग वहां पहुंचे थे तो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले बताए, तो एक्चुअली जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे हमारे वो जब दिल्ली में हम लोग थे चेक इन के टाइम पर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उसने चेक करके मे बी अपलोड कर दिए थे, क्योंकि जब हम यहाँ पर मालदीव के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचे तो हमसे सिर्फ और सिर्फ हमारा पासपोर्ट मांगा गया, वो इमुगा वाला QR कोड तक नहीं मांगा गया, और 1 मिनट से भी कम का टाइम लगा होगा और हमारे पासपोर्ट पर लग गया ठप्पा। अब बात कर लेते हैं ट्रांसफर चार्जेस की। तो ट्रांसफर चार्जेस जो होते हैं वो होते हैं चार्जेस जो आपको एयरपोर्ट से अपने होटल तक पहुंचने के लिए देने होते हैं। तो अगर आप पब्लिक आइलैंड में रुक रहे हो, तो अगर मैं कानी ग्रैंड जो कि माफुशी आइलैंड में उसकी बात करूं, तो पब्लिक आइलैंड्स के लिए एयरपोर्ट वाले आइलैंड से पब्लिक फेरीज चल रही होती हैं,
जो कि दिन में दो बार ही होती हैं और हफ्ते में शायद छह दिन ही रहती हैं, फ्राइडे को शायद नहीं चलती है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत कम, मतलब $5-7 में ही बंदा यहाँ से वहां पहुंच जाता है। और अगर आप पब्लिक फेरी नहीं पकड़ पाते हो टाइमिंग की वजह से, तो आप अपने होटल को भी बोल सकते हो, तो वो भी बहुत सस्ते ही कॉस्ट में उनकी प्राइवेट फेरी आती है, $50-60 शायद ऐसे कुछ लगता है, और आपको पहुंचा देती है होटल तक। बट दिक्कत शुरू होती है प्राइवेट आइलैंड में, क्योंकि प्राइवेट आइलैंड में कोई पब्लिक फेरी अलाउड नहीं होती है और किसी भी वेंडर की प्राइवेट फेरी, प्राइवेट स्पीड बोट वगैरह अलाउड नहीं होती है। तो एक ही आपके पास ऑप्शन बचता है स्पीड बोट या जो भी सी प्लेन वगैरह है वो आपके रिसॉर्ट से बुक करने का। तो अगर आपका जो रिसॉर्ट है, रिसॉर्ट वाला जो आइलैंड है, वो अगर एयरपोर्ट से 30-35 किलोमीटर के दूरी पर है, तो आपको स्पीड बोट लेने आती है। बट अगर आपका होटल जो इससे भी दूर है, तो आपको सी प्लेन जो है वो ही लेके जाता है। तो जो हमारा रिसॉर्ट था वो भी करीब 40 मिनट की स्पीड बोट के बाद आया था, क्योंकि एक घंटे के अंदर ही था, एक घंटे के अंदर ही हम पहुंच सकते थे, तो स्पीड बोट आई थी। अगर स्पीड बोट का टाइम एक घंटे से ज्यादा हो रहा होता तो ये रिसॉर्ट भी स्पीड सी प्लेन दे रहा होता। तो जो रिसॉर्ट दूर है, क्योंकि 400-400 किलोमीटर दूर के आइलैंड्स पर भी होटल्स हैं, तो उन सब के लिए सी प्लेन आता है। तो जो स्पीड बोट है उसका कॉस्ट जो है उससे कम से कम, नहीं तो 1.5 गुना या 2 गुना या मे बी उससे भी ज्यादा कॉस्ट सी प्लेन का हो सकता है। तो मेरे रिसॉर्ट में जो ट्रांसफर कॉस्ट था वो था पर हेड $220। इस $220 में रिटर्न भी होता है, मतलब आप जाओगे और जब आपको निकलना होगा तो वापस भी छोड़ेंगे। $220 पर हेड, जो कि पर हेड अगर मैं कन्वर्ट करूं इंडियन रुपीज में तो करीब 16,000 रुपए आता है। तो जब भी आप होटल सर्च करें तो आप ये जरूर देखेंगे, क्योंकि आप होटल सर्च करते हो तो वो माले से डिस्टेंस हर होटल के नीचे लिख के आ रहा होता है, अगोडा वगैरह में तो आता है। तो आप ये जरूर ध्यान देना कि डिस्टेंस जो है वो 30 किलोमीटर के आसपास रहे तो आपको स्पीड बोट मिलेगी, उससे ऊपर आपको सी प्लेन मिलेगा। सी प्लेन मतलब महंगा, स्पीड बोट मतलब सस्ता। जो फुरावेरी मैंने बताया वो सी प्लेन के होने के बाद भी जो कॉस्ट है वो आपके बजट में आ सकता है। तो ड्रोन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ड्रोन पहले तो फ्लाइट में लेके कैसे जाना है, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ड्रोन और उसके प्रोपेलर को आराम से अपने चेक इन बैगेज में रख दो, और जो बाकी के जो सारे सामान है, मतलब कंट्रोलर, बैटरी, तार वार जितने भी हैं, वो सब अपने केबिन लगेज में आप लेके जा सकते हो। अब देखते हैं, अब बात करते हैं कि वहां पर ड्रोन उड़ाना कैसे है। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि वहां पर ड्रोन उड़ाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, कोई पोर्टल है या ये है वो है, बट रियलिटी ये है कि अगर आपका रिसॉर्ट कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वहां उड़ा सकते हो, कोई नहीं रोकने वाला। बट रेस्ट्रिक्शंस जो होते हैं, मतलब जो रिसॉर्ट होते हैं वो मना भी करते हैं, कई रिसॉर्ट मना करते हैं, जैसे मेरे ही रिसॉर्ट ने मना कर दिया था। तो उसके रीजन होते हैं, जैसे मेरे रिसॉर्ट में हर विला के बाहर प्राइवेट पूल था, तो प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से उन्होंने कुछ साल पहले जो ड्रोन थे वो अलाउ करने बंद कर दिए। बट वो लोग इतने अच्छे थे, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, एक बार ही पूछा था मैंने, बट अगर मैं थोड़ा बहुत भी उनसे और बोलता तो वो उड़ाने देते उनके गाइडेंस के अंदर, उनके साथ खड़े होकर मैं उड़ा सकता था। बट मैंने उड़ाया ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगले दिन ही सैंड बैंक जाऊँगा, तो सैंड बैंक पर ड्रोन उड़ाने का और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दूसरा रीज़न, कुछ रिसॉर्ट जहाँ पर सी प्लेन ट्रांसफर होता है तो वो लोग भी मना करते हैं, क्योंकि सी प्लेन जो होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं, अक्सर लैंड होते रहते हैं, टेक ऑफ करते रहते हैं, तो वो लोग भी कुछ लोग मना करते हैं कि नहीं आप ड्रोन मत उड़ाइए, क्योंकि प्लेन्स को दिक्कत हो सकती है। चलिए आप डिस्कस करते हैं कि वॉट आर द थिंग्स दैट यू मस्ट डू इन मॉलडीव्स, क्या क्या चीज़ें आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। तो प्राइवेट आइलैंड में मैं रुका था, वहाँ 5-स्टार रिसॉर्ट था, तो ऑब्वियसली 5-स्टार रिसॉर्ट है तो हर चीज़ बहुत महंगी होने वाली, तो हर एक्टिविटी भी बहुत महंगी थी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपने रूम में प्राइवेट स्विमिंग पूल जरूर रखना, क्योंकि एक एक्टिविटी वही होगी, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो प्राइवेट पूल में भी आप जाके एंजॉय कर सकते हो। बट प्राइवेट पूल के अलावा अगर आप जो चीज़ करनी है वो डेफिनेटली नंबर वन पे है, सैंड बैंक। तो सैंड बैंक के वीडियोस आपने देखे होंगे मेरे चैनल पर, तो सैंड बैंक जो है वो एकदम मस्ट डू चीज़ है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर सैंड बैंक जो था, जो वो सैंड बैंक था वो हमारी ट्रिप का हाईएस्ट पॉइंट था, पीक था, एकदम जो सबसे अमेजिंग चीज़ थी वो था सैंड बैंक। तो आप अगर जाना तो बिल्कुल 100% जाना जरूर वहां पर। दूसरी चीज है स्नॉर्कलिंग, स्नॉर्कलिंग भी जरूर करना, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी तरह पानी की दुनिया नहीं देखी है अभी तक, वहां पर जाके आपको एक अलग ही दुनिया देखने वाली है पानी के अंदर। ऐसा लगेगा जैसे किसी ने शीशे के अंदर कुछ सामान सजा के रखा हुआ है और वो आप ऊपर से देख रहे हो। तीसरी चीज है जो कि आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, वो है स्कूबा डाइविंग। हम लोग भी स्कूबा डाइविंग करना चाहते थे, बट हम लोग फिर स्नॉर्कलिंग किए, क्योंकि स्कूबा करने के लिए जो है आपको फिर पहले स्विमिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, उसमें उसके बाद स्कूबा लेके जाएंगे, उसमें टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा था और दिन हमारे पास सिर्फ 3 ही थे, और बहुत सारी चीज़ें भी थी, मतलब इतना बड़ा आइलैंड था घूमने घामने के लिए, तो वो उस चीज़ के लिए फिर हम लोगों ने कैंसिल ही कर दिया अपना स्कूबा, हम लोग स्नॉर्कलिंग करके आए। तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, अगर आपके पास पैसा है, टाइम है, तो कर सकते हो, क्योंकि इससे साफ पानी जो है समंदर का वो आप शायद ही कहीं और देख पाओगे। सनराइज और सनसेट ये दोनों चीज़ें देखना बिल्कुल मत भूलना अपने ट्रिप पे। अपना आइलैंड, जिस भी आइलैंड में आप रुक रहे हो उसको वॉक करके पूरा घूमना, उसको पूरा फील करना, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड। और अगर आपके पास ड्रोन है तो ड्रोन शॉट्स तो लेना बिल्कुल भी मत भूलना। एक और चीज़ जो है कि वहाँ का जो खाना मिलता है वहाँ पर,
तो आप डिनर वगैरह जरूर ट्राई करना वहां पर, क्योंकि इतने पूरे दुनिया भर के तमाम तरह की क्यूजीन्स वहां होंगी, इंडियन क्यूजीन्स, इंडियन काउंटर भी था हमारे में छोटा सा, तो उन सारी चीज़ों को ट्राई करना मत भूलना, वो अलग एक एक्सपीरियंस है और बहुत ही अमेजिंग खाना होता है। अगर आपके रिसॉर्ट में किसी दिन मालदीव्स के लोकल क्यूजीन्स वगैरह मिल रही हैं तो सच कोई बात नहीं। जैसे मेरे रिसॉर्ट में था कि जो आखिरी दिन था हमारा डिनर, उसमें जो थीम थी वो ये था कि मालदीव के लोकल आइलैंड का जो सी फूड था वो वहाँ का उस दिन का थीम था, बहुत ही टेस्टी था। तो अब बात कर लेते हैं एक्टिविटीज़ कॉस्ट की। तो ऑब्वियसली पब्लिक आइलैंड, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप स्नॉर्कलिंग वगैरह जाना चाहते हो, स्कूबा वगैरह जाना चाहते हो, तो $80-90 में पर हेड में ये आप करके आ सकते हो, बट यहाँ पर ये सब चीज़ें महंगी होने वाली हैं। तो स्नॉर्कलिंग या स्कूबा वहाँ पर $80-90 का होता है, वही उसी एक्टिविटी के लिए आप अपने प्राइवेट आइलैंड पर दे रहे होते हो $170 to $220-$250 तक। तो जो हम लोगों ने जो ट्रिप ऑप्ट किया था, हम लोगों ने जो एक्टिविटी ऑप्ट की थी वो थी एक कंबाइंड एक्टिविटी, मतलब हम चाहते हमने उससे बोला कि हमें पहले सैंडमैन लेके चलो, सैंडमैन में हम लोग एंजॉय करेंगे, फिर वहाँ से जब चलेंगे तो हम लोग स्नॉर्कलिंग करेंगे उसी सेम ट्रिप पर, उसके बाद वापस आएंगे। तो ये कंबाइंड ट्रिप भी आपको आपके रिसॉर्ट में भी मिलेगा। तो इसका जो हमारा टोटल कॉस्ट था वो था $400 चारों का। तो इसका मतलब है कि अगर $100 पर हेड है उसको मैं इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 7,500 रुपए। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि जितने भी यहाँ पर आप एक्टिविटी या मील या जो भी आप अलग से चीज़ें खरीदोगे सब में 22% का टैक्स होगा। तो जो $400 मैं बता रहा हूँ वो 22% टैक्स के बाद ही है, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बार्गेनिंग बहुत ज़रूरी है, आप बार्गेनिंग कर सकते हो, बिल्कुल भी शर्माना मत किसी भी चीज़ में बार्गेनिंग करने के लिए, क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने भी जब एक्टिविटीज़ के लिए मैं बात कर रहा था तो उसने जो कॉस्ट बताया था जब हम लोगों ने मतलब बार्गेनिंग ज़रा सी ही करी थी तो उसने आराम से $60-70 जो थे वो हमें कम कर दिए। $60-70 को अगर पैसे में कन्वर्ट करो तो ऑब्वियसली मैटर करता है, तो बार्गेनिंग बिल्कुल करना मत भूलना। बात कर लेते हैं मील प्लान्स की। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोगों का जो प्लान था वो था बेड एंड ब्रेकफास्ट, मतलब रूम था और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था उसके साथ। तो अब हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग यहाँ पर आके रिसॉर्ट पहुंचकर ही अपना मील प्लान लेंगे, हालांकि मील प्लान आपको वेबसाइट्स पर भी मिलता है, बट हम लोग यहाँ आके करना चाहते थे कि जिससे थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो पाए। तो जो हमारा पहला दिन था उसमें ब्रेकफास्ट तो था ही, बट जो हमारा हम पहुंचे जिस दिन, उस दिन का जो डिनर था वो हमने ऑप्ट नहीं किया, हमने वहाँ पर पैसे बचाए और जो हम लोग इंडिया से ही अपना जो सैंडविच और तमाम और चीज़ें लेके आए थे उससे हमारा काम चल गया। शैम्पेन कॉम्प्लीमेंट्री थी, फ्रूट्स वगैरह थे ही, तो उससे हमारा काम चल गया। अगले जो दो रातें थी उसके लिए हमने ऑप्ट किया कि हाफ बोर्ड, मतलब कि जो ब्रेकफास्ट और डिनर का प्लान था उस पर हमने अपना अपग्रेड किया, और जो टोटल कॉस्ट था उस अपग्रेड का वो था $50 पर पर्सन पर नाइट। तो अगर $50 पर पर्सन पर नाइट है तो हर बंदे का $100 हमने अगले दो दिन के डिनर के लिए दिया, जिसका कन्वर्जन रेट कन्वर्जन करने के बाद पहुंचता है 7,500 रुपए। तो मील प्लान होते हैं वो किस तरह के होते हैं, बेड एंड ब्रेकफास्ट मतलब है कि बेड और ब्रेकफास्ट आपका रहेगा, उसके बाद आता है हाफ बोर्ड, हाफ बोर्ड में आपका ब्रेकफास्ट एंड डिनर होता है, उसके बाद आता है फुल बोर्ड, उसमें ब्रेकफास्ट लंच और डिनर होता है, उसके बाद आता है ऑल इंक्लूसिव। तो ऑल इंक्लूसिव में ब्रेकफास्ट लंच डिनर एंड अल्कोहल होती है, तो अल्कोहल के भी कुछ स्पेसिफिक ब्रांड होते हैं जो कि अनलिमिटेड आपके लिए अवेल हो जाते हैं, और कुछ रिसॉर्ट जो होते हैं जो कि कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज जैसे स्टैंड अप पैडल या पैरासेलिंग या इस टाइप की कोई एक्टिविटी उसमें जोड़ देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो भी आप ऑल इंक्लूसिव प्लान अगर आपको लगता है कि आपके रिसॉर्ट का बहुत सारी चीज़ें दे रहा है तो आप वो भी ले सकते हो। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि हाफ बोर्ड के साथ ही है ना, हाफ बोर्ड में जाने पर आप पैसे तो बचाओगे ही बचाओगे, साथ ही आप तीन टाइम की मील लेके क्या करने वाले हो, मतलब तीन टाइम आप वहाँ बैठ के सिर्फ खाना खाओगे, कितना टाइम वेस्ट करोगे, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो मेरी जो चॉइस थी वो था ये कि हम लोग केवल दो टाइम ही सुबह तोड़ के ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत अमेजिंग ब्रेकफास्ट था, तोड़ के ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद अर्ली जाके डिनर करेंगे। तो बीच में अगर किसी को भूख लगती है तो तमाम आप इंडिया से स्नैक्स वगैरह कुछ भी लेके जा सकते हो, आराम से वहां पर ब्रेड बटर कुछ भी खा सकते हो, जिससे आपके पैसे बहुत बचेंगे। अब अगला सेक्शन आता है कि कौन सी कोविड गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है मालदीव से इंडिया आते टाइम। तो जो सबसे बड़ा जो खर्चा वहां पर आने वाला है वो है RT-PCR। तो RT-PCR मैंडेटरी है, आपको मालदीव से करा के आना पड़ेगा और वो सैंपल लिया हुआ होना चाहिए इंडिया पहुंचने से 72 आवर्स पहले का। तो जैसे आपको आज इंडिया निकलना है तो आप दो दिन पहले सैंपल दे चुके होने चाहिए, क्योंकि 24 घंटे लगता है कि वहाँ की रिपोर्ट आने में भी, और RT-PCR की व्यवस्था वहाँ के सारे आइलैंड्स में अवेलेबल है। तो जो मेरे रिसॉर्ट का जो RT-PCR का कॉस्ट था वो था $65 पर हेड, $65 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ पता है लगभग ₹5,000 पर हेड। तो ये कॉस्ट मेरे में 65 था, कई रिसॉर्ट में $100 भी है, कई रिसॉर्ट में $120 भी है, $90 भी है, तो मेरा जो कॉस्ट था वो था $65। तो आप अपने रिसॉर्ट में कोविड का जो कॉस्ट है वो भी जरूर मेल पर कंफर्म कर लेना। उसके बाद जब आपकी RT-PCR रिपोर्ट आ जाए तो ये RT-PCR रिपोर्ट आपको वापस से उनकी मालदीव्स की इमुगा वाली वेबसाइट खोल के, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें खोल के डिपार्चर वाले सेक्शन को फिल करना होता है, ये रिपोर्ट अपलोड करनी होती है। अगेन एक QR कोड आता है, QR कोड की टाइमिंग आप देख रहे हैं 24 आवर्स तक वैलिड रहता है, वो आपको वहां जाकर दिखाना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपका RT-PCR रिपोर्ट आ जाए तो फिर इंडिया के भी एक हेल्थ डिक्लेरेशन वेबसाइट है जिसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो RT-PCR अपलोड करनी पड़ेगी। एयर सुविधा पोर्टल होता है, एयर सुविधा पोर्टल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां पर आपको ये सारी चीजें डालनी पड़ेंगी।
जब आप वो फॉर्म फिल कर दोगे तो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होकर आएगा, उसकी केवल फोटो खींच के रख लेना, केवल उतने की ही जरूरत पड़ेगी आपको, और किसी प्रिंट आउट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उसमें लिख के आता है कि प्रिंट आउट ले लेना, लेकिन प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आपने फाइनल कॉस्ट देख लिया कि किस तरह से मैंने आपको बताया कि आपको एक लग्जूरियस ट्रिप जिसमें आपको पब्लिक आइलैंड का कोई झंझट नहीं और मतलब लग्जरी में भी कोई कमी नहीं, कैसे आप 81,000 से भी कम में पर हेड में कर सकते हो। बिलीव करिएगा अगर आपको ये कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, एक बार आप जाके देखिएगा, ये कॉस्ट इतने कम में कोई भी आपको नहीं दे सकता है। 81,000 से भी कम, इंक्लूडिंग अ फाइव स्टार रिजॉर्ट, प्राइवेट आइलैंड फाइव स्टार रिजॉर्ट एंड मील्स एंड देन प्राइवेट पूल और बहुत ही अमेजिंग रिसॉर्ट, ट्रांसफर चार्जेस, आरटीपीसीआर, फ्लाइट, सब कुछ लेके 81,000 से भी कम आपका खर्चा हो रहा है और आप मालदीव्स का लग्जरी एक्सपीरियंस करके आ रहे हो। अगर आप इसमें एक्टिविटीज वगैरह भी जोड़ दो तो भी ये 90,000 से ऊपर नहीं जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू बुक करना चाहिए। तो मैंने भी ये चीजें जब मैं बुक कर रहा था तो मैंने इनको भी ट्राई किया, तमाम MMT और बहुत सारे जो भी ट्रैवल एजेंट्स थे उन सब पे मैंने डाला हुआ था रिक्वेस्ट, सबसे मैंने बात करी, तो इतने कम में आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट मैं लिख के दे सकता हूँ कि इतने कम में कोई भी नहीं लेके जा सकता। सबके कॉस्ट मेरे पास पड़े हुए हैं जो मे बी मैं आपको दिखा भी दूँ। तो वहां पर आप को शायद सुनने में आएगा कि यार ये तो 1.7 लाख में दो लोगों को लेके जा रहा है, 1.5 लाख में दो लोगों को लेके जा रहा है, बट उस जो भी वो कॉस्ट है उसमें ना आपका आरटीपीसीआर इंक्लूडेड रहता है वहां वाला, ना आपकी फ्लाइट इंक्लूडेड रहती है, और आप हर चीज़ से बंध जाते हो कि जो भी उन्होंने दिया वो आपने ले लिया। बट ऐसे में क्या है कि आप अपना पहले दिन का मील का पैसा बचा लिया, किसी एक्टिविटी का पैसा बचा लिया, बार्गेनिंग कर ली जाके, तो वो सब चीज़ें आपको अपने किए हुए सेल्फ प्लान्ड वाली ट्रिप में ही मिलेगा। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही जाना है तो मैं आपको बता दूं, एक कंपनी है पिक योर ट्रेल, पिक योर ट्रेल मैंने बात करी, सबसे बढ़िया कॉस्ट आपको यहाँ मिलेगा, हालांकि इतने कम में नहीं मिलेगा, बट इनसे बात करने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने इनसे बात करी, ये लोग एक कॉस्ट मुझे कुछ बता रहे थे, मैं इनसे कुछ और कह रहा था कि मुझे इतने में जाना है, इन्होंने तभी मुझसे कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर एक दो दिन का मैंने टाइम लिया और बहुत कम में बुकिंग करा ली। फिर मैंने इनको बोला कि मैंने तो इतने में बुकिंग करा ली, जो आपसे मैं मांग रहा था उससे भी कम में, तो ये लोग ने कहा कि ठीक है मैं आपको करता हूँ कॉल। फिर इनका जब कॉल आया वापस तो ये लोग उसमें भी राजी हो गए, बट उसमें आरटीपीसीआर वगैरह इंक्लूडेड नहीं था। तो मैंने कहा कि जब आप आरटीपीसीआर नहीं दे रहे हो और मेरे कॉस्ट के बराबर ही है तो मैं आपके साथ क्यों जाऊं, मैं क्यों ना अपने वाले प्लान से ही जाऊं। और दूसरा, इनके साथ जाने का एक रिस्क ये है कि इनको आपको कुछ शायद 25% या 30-40% के आसपास जो अमाउंट होता है वो बुकिंग अमाउंट आपको पहले ही ट्रांसफर करना पड़ता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, पूरा पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये रिस्क आपके आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आप खुद बुक करते हो तो आपका पूरा ट्रिप जो प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबल रहेगी, जब चाहो आप तब कैंसिल कर सकते हो। अब एंड में कुछ रैंडम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए या जो मैं खुद बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट, कुछ रैंडम इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ वही जो मैं आपको पहले बताया था कि पहले होटल बुक कराना, उसके बाद ही फ्लाइट बुक कराना। होटल का कॉस्ट आपको जिस डेट पर सही मिल रहा हो उसके अकॉर्डिंग ही फ्लाइट कराना, क्योंकि फ्लाइट के प्राइस जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते, बट एक एक दिन में होटल के प्राइस जो है वो 10-10,000 भी गिर सकते हैं। दूसरी बात, अल्कोहल गलती से भी वहां मत ले जाना, वहां पर अलाउड नहीं है, वो एयरपोर्ट पर ही रख लेगा। तीसरी चीज़ ये कि अगर आप पब्लिक आइलैंड में रहते हो तो अल्कोहल लेके तो नहीं आ सकते, बट वहां पर फ्लोटिंग बार जो कि बोट के अंदर होते हैं वहां पर आप जाके अल्कोहल ले सकते हो और उस अल्कोहल को लेके अपने होटल में ही जाके पी सकते हो। अगली चीज ये है कि जब आपका होटल फाइनल हो जाए, बुकिंग वगैरह फाइनल हो जाए, तो होटल के जो ईमेल आईडी होती है उसमें कम्युनिकेशन जरूर करना। मेरे पास खुद कम से कम नहीं तो 20 मेल्स हम लोगों के एक्सचेंज हुए हैं, तमाम कन्फ्यूजन तमाम इन्फॉर्मेशन मैंने वहां पर क्लियर की है, और आप नेगोशिएट भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं मील प्लान की बात करूं तो जो $50 पे मेरा मील प्लान अपग्रेड हुआ था तो वो मैंने मेल पर प्राइस लिया था, मेल पर मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, उन्होंने $50 में वो मान गए थे, बट जब मैं रिसॉर्ट पहुंचा तो उन्होंने कहा कि रेट अब जो है वो चेंज हो चुके हैं, $70 पर हेड लगेगा, बट जब मैंने मेल का रेफरेंस लिया तो 2 मिनट के अंदर वो लोग मान गए। तो ये आप चाहो तो ये सारे नेगोशिएशन वहां पहुंचने से बहुत पहले भी स्टार्ट कर सकते हो। पहली चीज़ ये है कि जब आपका होटल फाइनल हो जाए तो होटल की वेबसाइट पर जरूर जाना, वहां पर जाके आप तमाम एक्टिविटीज़ के कॉस्ट वहां पर उनके होटल पर देख सकते हो, और उसके बाद फिर आप उनका फूड मेन्यू, रेस्टोरेंट क्या क्या है वो सब देख सकते हो, यहाँ तक कि आप उनका मैप वगैरह भी, जैसे मैं अपने होटल का मैप जो है उनकी वेबसाइट से देख के गया था, उसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली कि क्या उसका एक्चुअली स्ट्रक्चर है, आइलैंड वाला वाटर वाला से कितनी दूर है, वाटर वाला रिसेप्शन से कितनी दूर है, ये सब चीज़ें आपको इजिली पता चल जाएंगी। होटल से रिलेटेड यूट्यूब वीडियो जरूर देखते रहना, क्योंकि उसमें आपको अंदाजा लगेगा कि रूम्स एक्चुअली कैसे हैं। जैसे मैं आइलैंड विला में रुका था तो उससे पहले मैंने बहुत लोग आइलैंड विला के वीडियोस देखे, तो उसमें मैंने देखा था कि जो बीच पोर्शन है वो बहुत अच्छा नहीं है, किसी में पूल टूटा हुआ है, किसी में कुछ है, तो कुछ रूम्स ऐसे होते हैं। तो वहां पर मैंने कमेंट पर जाके ही उन लोगों से पूछ लिया कि आपका रूम नंबर क्या है, या तो आपको वीडियो में दिख जाएगा कि रूम नंबर है क्या।
तो उसके बाद मैंने जाके जब उनका रूम नंबर देखा, उसके बाद जाके मैप पे मैंने वो सर्कल आउट किया कि ये रूम कहाँ पर है। तो मैंने जाके जब पहुंचा हूँ मैं होटल में, तो मैंने वहां पर पहले ही उनको पॉइंट आउट कर दिया कि ये पूरा जो ग्रुप है रूम का ये मुझे नहीं चाहिए, यहाँ पर बीच पोर्शन अच्छा नहीं है। तो वो लोग ने भाई मुझे जो रूम दिया वो एकदम मेरे उम्मीदों के हिसाब से ही था, बीच भी अच्छा था, पूल भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। इंस्टाग्राम पे भी अपने होटल के फोटोज वगैरह देखते रहना, हैशटैग या लोकेशन के थ्रू सर्च करके, जिससे आपको अंदाजा लग जाए कि वहां पर कौन कौन सी जगह है जहां पर लोग फोटो क्लिक करवा रहे हैं, जैसे आपको वहां जाके ना ढूंढना पड़े, आपको पता हो कि ये जगह, बस आपको जाके पूछनी पड़ेगी फोटो दिखा के कि इस जगह पर हमें बता दो कहाँ कैसे जाना है। अगली चीज ये है कि दारू जो है वो बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि अगर मैं आपको हाफ बोर्ड रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसमें दारू तो होगी नहीं, तो दारू बहुत महंगी मिलेगी वहां पर। तो ट्राई करना कि 3 दिन जो है वो जो 3 दिन वहां रुकने वाले हो अपनी प्यास को थोड़ा बचा लेना, और जो पैसा आप बचाओगे अपनी प्यास कंट्रोल करके उसमें तो आप इंडिया के नदियां बहा सकते हो। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पैक करनी है, हाई SPF है, 50 या 70 SPF वाला आप सनस्क्रीन रख लेना, और उसको आपको रेगुलरली मतलब 2-2, 3-3 घंटे में लगाना पड़ेगा। तो मैंने ये सब नहीं लगाया था, और जिनने लगाया था उन्होंने भी इतने रेगुलर इंटरवल में नहीं लगाया था, तो हम लोग की स्किन तो पूरी झुलस गई थी उन 3 दिनों में ही। मतलब ऐसे टच करते थे कंधे और माथा जो था वो टच करने पर ही दर्द हो रहा था। उसके बाद 2 हफ्ते तक हमारी स्किन जो है वैसे छिलका बन के निकलती रही, और 2 हफ्ते बाद जाके वो पूरी स्किन हटी है। बहुत बढ़िया सा एक सनग्लास रख लेना, एक हैट रख लेना, अम्ब्रेला आपका रिसॉर्ट आपको देगा, अगर नहीं देता तो अम्ब्रेला भी रखना पड़ेगा, बहुत तेज धूप हो, ड्राई फिट कपड़े रख लेना, और वो जो एक अडाप्टर आता है, इंडिया का सॉकेट नहीं होगा वहां पर, तो जो अडाप्टर आता है यूनिवर्सल वाला वो जरूर रख लेना, और साथ ही साथ एक एक्सटेंशन बोर्ड रख लेना, क्योंकि अडाप्टर के पास एक होगा, आपके पास ज्यादा इक्विपमेंट है चार्ज करने के लिए, तो उस एक अडाप्टर में अपना एक्सटेंशन लगा दोगे तो अपने आप ही आपके पास 4 या 5 जो भी सॉकेट है वो बन जाएंगे। और एक चीज ये कि जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मील प्लान लेना, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम तो कोई मील प्लान नहीं लेंगे, हम वहां जाके अला कार्ट में ही ऑर्डर करेंगे, तो अगर आप सोच रहे हो कि अला कार्ट में आप जाके लेके अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूँ कि क्या कॉस्ट रहेगा। ये मेरे रिसॉर्ट का मेन्यू है, तो आप $50 में अपग्रेड ले रहे हो, तो $50 में आपको यहाँ पर खाना नहीं मिल पाएगा अला कार्ट में। और दूसरा एक रिस्क रहेगा, क्योंकि हमारी जीभ जो है वो हर चीज़ के टेस्ट को नहीं ले पाती है, तो अगर आपको कोई चीज़ का टेस्ट पसंद नहीं आता अला कार्ट में, आपका दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा, बट बुफे में आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे नई नई चीज़ें ट्राई करने के। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, तो मैं होप करता हूँ कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे, सारे कन्फ्यूजन को आपके सॉल्व कर दिया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपके पास कुछ भी कन्फ्यूजन, कुछ भी क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट पर डालना, मैं बहुत ही जल्दी रिप्लाई करूंगा। और हाँ, वो जो ट्रैवल वीडियोज मैंने अपलोड किए हैं वो देखना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और जब आप मालदीव जाना तो मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और क्या क्या चीज़ें जो मैंने बताई वो आपके काम आई। अब चलते हैं, मिलेंगे किसी अगली ट्रिप में। बाय बाय।